यह है कॉस्मिक बाइट पेंडोरा CBG के 26 मैकेनिकल कीबोर्ड एंड ये मैंने ओटेमो रेड स्विचेस के साथ परचेस किया है। एंड स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें हॉट स्विपेबल का ऑप्शन है, तो इसमें रेड या ब्लू स्विचेस जो भी आपको अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें ये ओटेमो के अलावा और कोई स्विचेस लाइक गैट्रॉन जैसे स्विचेस लग सकती है या नहीं वो भी चेक करके देखते हैं। एंड इसकी ये RGB लाइट जो है डिसेंट ही है एंड मीडिया एंड शॉर्टकट की का भी सपोर्ट है। एंड इसे मैंने अराउंड 1800 रुपीज में परचेस किया है विद 1 ईयर वारंटी। तो ये रहा बॉक्स, इसमें आपको मैनुअल, दो एक्स्ट्रा स्विचेस एंड ये की कैप पुलर एंड स्विच पुलर है। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड, 10 कीलेस कीबोर्ड है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में है एंड टोटल 87 कीज हैं। बाकी इसके लिए डेस्क पे इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी एंड फुल साइज के कीबोर्ड के कंपेयर में भी आप देख सकते हो। एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज तो अच्छा है, टॉप फ्रेम मेटल में यूज किया है एंड बैक पैनल प्लास्टिक मटेरियल में है, तो इसकी वजह से कीबोर्ड में फ्लेक्स या बेंड बिल्कुल नहीं है। बाकी इसमें ये सारे कीज फ्लोटिंग स्टाइल में है एंड ऐसा कुछ लुक आता है। पर्सनली मुझे क्लोज फ्रेम वाले कीबोर्ड ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस कीबोर्ड में आपको दो स्विचेस के ऑप्शन मिलते हैं, ओटेमो रेड एंड ओटेमो ब्लू। रेड स्विचेस जो हैं लीनियर एंड साइलेंट होती हैं एंड ब्लू स्विचेस लाउड एंड क्लिकी होती हैं, तो इनमें से आपके लिए जो भी अच्छी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने रेड ओटेमो चूज़ की है क्योंकि मुझे साइलेंट स्विचेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इस रेड ओटेमो स्विचेस की क्वालिटी मुझे इस प्राइस में काफ़ी अच्छी लगी। फ्रिक्शन ना के बराबर है एंड स्विचेस भी काफ़ी अच्छे से स्टेबल हैं। शिफ्ट एंड एंटर कीज वॉबल होती हैं लेकिन इसमें से रेडलिंग नॉइस नहीं आती है। वहीं पे स्पेस बार बिल्कुल भी लूज नहीं है लेकिन इसमें से थोड़ी बहुत रेडलिंग की नॉइस आती है। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट, तो ओवरऑल इस रेड स्विचेस में मुझे टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें ये गैट्रॉन स्विचेस वर्क तो करते हैं लेकिन पिन का साइज डिफरेंट होने की वजह से रिप्लेस करते वक्त पिन बेंड हो जाती हैं, तो आप इसे दूसरे प्रीमियम स्विचेस से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। बाकी इसमें मीडिया एंड शॉर्टकट की का भी सपोर्ट है जिसे फंक्शन की से यूज कर सकते हो। एंड इसकी ये RGB लाइट जो है इस प्राइस में डिसेंट है। टोटल 20 इफेक्ट्स हैं जिसे ये सारी की से चेंज कर सकते हो एंड इसकी ब्राइटनेस एंड स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस ठीक है, डे लाइट में विजिबल है एंड नाइट में ऐसी कुछ लगती है एंड RGB को टोटली ऑफ भी कर सकते हो। तो ओवरऑल RGB इस प्राइस में ठीक ठाक ही है एंड केबल इसमें PVC मटेरियल में है एंड USB की क्वालिटी ऐसी कुछ है एंड इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। तो इसमें मेटल बॉडी यूज की है तो इसका वेट अराउंड 530 ग्राम है विदाउट केबल। गेमिंग टेस्ट, तो इसमें एंटी गोस्टिंग कीज का सपोर्ट है तो FPS गेम्स में मल्टीपल की प्रेस करने में गोस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड वायर्ड कनेक्शन की वजह से इसमें लेटेंसी ना के बराबर ही है। तो ये रेड स्विचेस जो हैं गेमिंग में बेस्ट हैं क्योंकि इसका की प्रेस लाइट होने की वजह से इसमें मल्टीपल कीज को फास्ट प्रेस कर सकते हो। वहीं पे ब्लू स्विचेस के की प्रेस में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो अगर आप गेमिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो आप ये रेड स्विचेस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड टाइपिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो आप ये ब्लू स्विचेस को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड मुझे इस प्राइस में अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्विचेस भी स्मूथ है, मीडिया कीज का भी सपोर्ट है एंड RGB भी डिसेंट है। तो अगर आपको ये अंडर 1800 रुपीस तक के रेंज में मिले तो आप इसे ले सकते हो एंड कीबोर्ड की कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।